So welcome back to our channel guys, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो और दिल्ली टू नेपाल रोड ट्रिप में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग हैं चितवन में एंड चितवन से आज हम जा रहे हैं नगरकोट। नगरकोट किस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग गूगल कर सकते हो, बाकी अगर आप गूगल नहीं करना चाहते हो तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चितवन में कुछ माहौल अभी ऐसा दिख रहा है, 8:03 हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर है 15 डिग्री और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्मी हो जाती है, फिर रात को जो है बहुत कड़क ठंड होती है। और ये बेसिकली आप लोगों का पूरा रिसॉर्ट वाला एरिया है जहाँ पर सफारीज कराई जाती है। सही है ना, और यहाँ पर पूल भी है लेकिन पूल अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ठंड बहुत है। फिलहाल कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, फिर करेंगे अपनी गाड़ी में सामान की सारी ऐसे डालने वाला काम और उसके बाद वी आर गुड टू गो। आज अपने मतलब का खाना है पराठे एंड इसको क्या बोलोगे आप लोग, पास्ता बोल सकते हैं ना, और जूस है तो इसको खाते हैं। बाहर वेदर बहुत अच्छा है एंड लेट्स सी व्हाट अक्कू ईटिंग। इस तो हमारी जो ट्रिप है वो आगे चलने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे जो ऑफिशियल पार्टनर है, जो हमारे ट्रैवल पार्टनर है वो है www.pudmo.com, जो कि है स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। किसी भी तरीके का अगर आप लोग स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हैं अपने डोर स्टेप में तो pudmo.com आपको दे देता है। पीछे सारा सामान लोड हो चुका है, गाड़ी जो है वो मैंने ऑल ऑन कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी था एंड वी आर गुड टू लीव। और आई होप कि सब कुछ जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। बाकी अगर आप में से कोई भी स्पेयर पार्ट चाहता है तो यू कैन गो टू pudmo.com। इनकी ऐप जो है वो iOS में भी है, एंड्रॉयड में भी है और एक नंबर का रिस्पॉन्स। सो हर ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। जय चितई गोलू देवता, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेट्स लीव गाइस, लेट्स गो गाइस। पर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप विल टेक 6 आवर्स फॉर 176 किलोमीटर। आई थिंक इट्स स्टिल वर्केबल, क्या कहते हो? पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, नो कमेंट्स। चलो इसके मुताबिक हम 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो लेट्स और टायर प्रेशर एक बार चेक कर लेते हैं। 33 टायर का टेम्परेचर देख रहे कितना कम है। चल चलते अपने बन जाएगा अभी। चलो फिर लेट्स गो गाइस। आपको याद होगा हमने ये डायनासोरस से पहले राइट लिया था और अब हम दोबारा राइट ले रहे हैं और यहाँ से हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो अभी हमें 64 किलोमीटर और बिल्कुल सीधा जाना है 170 किलोमीटर में से। करेक्ट। और आई थिंक ये वाली रोड तो सही थी कल भी जब हम आए थे तो। देखते हैं भाई, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 170 किलोमीटर के 5 घंटे मांग रहे हैं। 5 नहीं, 5 hours 45 minutes, ऑलमोस्ट 6 घंटे। तो नॉर्मली हाईवेज में हम लोग जो है वो किलोमीटर मतलब टाइम कम कर देते हैं लेकिन यहाँ पर देखो कर पाते। चलो फिर लेट्स गो गाइस। तो गाइस टेक्निकली लोग जो है वो चितवन एंड में करते हैं और पहले पोखरा करते हैं मतलब एंटर करते हुए, लेकिन अपना थोड़ा स्टाइल अलग है। और आपको कमाल की बात बताता हूँ कि हम लोग भी एंड तो पोखरा में ही करेंगे लेकिन पोखरा से वापसी आने के लिए हम लोग सनोली बॉर्डर आएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने बड़ा अटपटा रूट मैप बनाया, लेकिन ये रूट मैप इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोगों को हर जगह एक्सप्लोर करनी थी और हर जगह टाइम पे पहुंचना था। सामने वादिया चेक करो, इतनी बढ़िया वादिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और स्पीड लिमिट यहाँ पर 40 की लिखी गई है और बीच में 149 किलोमीटर रह गए और अभी भी मतलब टाइम ज्यादा कम नहीं हुआ पर किलोमीटर्स कम हो गए। ऐसा कैसे राहुल, क्या मतलब आगे रोड खराब हो गई? यार खराब होगी या तो कंजेशन होगा आगे, कुछ ऐसा तो होगा ही होगा, तभी इतना टाइम दिखा रहा है। चलिए फिर देखते हैं आगे का रोड कैसा रहता है, रोड मैप कैसा रहता है। और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पर जिसका नाम है मुसाफिर आगा। गाड़ी का जो डीजल है वो हो गया आधे से भी कम तो फाइनली हमें ऑफिशियली हमारा नेपाल का पहला डीजल का स्टॉप है। हाँ, जिसमें हम ज्यादा डीजल डलाएंगे। तो अब बस हम डीजल डलाने वाले हैं यहाँ से और यहाँ पे 118 नेपाली रुपीज है क्या? तो फिर बहुत सस्ता है फिर तो। बहुत सस्ता है, वेरी नाइस। चलो अब राहुल पहले कार्ड के बाद तो गाइस हमने डीजल डलवा लिया और डीजल डला है हमारा 34 नेपाली रुपीस जो कि बनता है अराउंड 2100 या 2200 इंडियन रुपीस। सो इट्स वेरी चीप इजंट इट। यहां पे डीजल इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 73 रुपीस है और इंडिया में 80 कहां ज्यादा हो रहा है अभी तो 86 89 कुछ ऐसा।
चलो फिर सस्ता है, यहीं आ जाएंगे राहुल अगली बार से डीजल डलाने। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो अब हम लोग निकल रहे हैं आगे और अभी भी हमारा कुछ 110 किलोमीटर करीब रह गया। मैं अभी मैप लगा लेती हूँ और फिर आपसे आगे बात करते हैं। My wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace. अब हम लोग जो है लेफ्ट लेने वाले हैं और ये जो रास्ता है यह है त्रिभुवन राजपथ। तो इधर से एक लेफ्ट आ रहा है, बीच में से आप लोगों का गेस ये कोई सिटी पड़ती होगी, नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 300 मीटर से वी हैव टू टेक अ लेफ्ट। और जिस जगह हम जा रहे हैं इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली वी विल क्रॉस काठमांडू और उससे आगे हम जाएंगे। हाँ। क्योंकि जब अगर हम वापसी करते हैं तो काठमांडू वहां से 30 से 33 किलोमीटर के बीच का है। ये चीज लोगों को दिखाना बनता है ना, जितने लोग आ रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए। नेपाल में भी आके एक होमली फीलिंग है ना। होमली फीलिंग है, पीपल आर नाइस। यस। सबसे बड़ी बात है आपको सारी अपनी गाड़ियां देखने को मिल रही है जो आप इंडिया में चलाते हैं, और चाहे बाइक्स हो गई, बाइक्स पे आपको सारी वही देखने को मिलेगी। और यहाँ कार्स के मुकाबले बाइक्स ज्यादा है। बाइक ज्यादा है क्योंकि कार्स बहुत एक्सपेंसिव है ना। यहाँ से लेफ्ट, तो आप समझ सकते हो कि इतना घंटे क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि जाम जो है वो बहुत अच्छा खासा वाला जाम लगा हुआ है इधर, तो इसकी वजह से जो है। और ये कोई मतलब मार्केट ही होगी, साइड से भी अगर आप देखोगे मार्केट ही दिखेगी आपको। क्या मिल रहा है यहाँ पर? बर्तन, कपड़े, बर्तन, खिलौने। और ये हमारा मंदिर आ गया, जय माता दी। 11 किलोमीटर से मिल रहा हूँ, फिर से राइट लेना। तब हम लोग किसी और मेन रोड में जुड़ेंगे, तब मिलते हैं लोगों से। जब हम थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ से जो व्यू है वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब बता ही नहीं सकती मैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, आंखों को इतना प्लेजेंट लग रहा है, क्यों राहुल? राइट। और अभी भी हमारा 102 किलोमीटर है, पर लगता है ये रास्ता कल वाले रास्ते से ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए इतना वो नहीं लग रहा है। ये मतलब पहाड़ी वाला इलाका है और साथ में क्या है कि ड्राइवेबिलिटी जो है यहाँ पर अच्छी, क्योंकि रोड खराब नहीं है, टचवुड अभी तक तो कुछ नहीं खराब है, आगे कुछ खराब हो जाए तो अलग बात है। और वहाँ पे देखो वो रोप वे जिसको कहते हैं ना, वो भी है, दिख रहा है आपको राहुल? तो आई गेस उसमें सामान आता होगा ना उसी तरह से। हाँ, मेबी जो भी पहाड़ पहाड़ों के इलाकों में जाता है आपको रोप वे जो है, या तो मतलब वो एडवेंचर वाली होती है या फिर वो सामान वाली होती है, तो ये वाली जो है ये सामान वाली है आपकी। बहुत प्योर है, मतलब भाई प्योर जो बोलते हैं ना, बिल्कुल प्योर है, मजा आ गया। मतलब बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही बहुत, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। कल जितना मेरे को बुरा लगता है मुझे उतना अच्छा लग रहा है, मतलब कल नहीं परसों रोड को देख के। और अब हमें लेना है यहाँ से राइट। मुझे थोड़ा सा स्लश है। ओह यस, हल्का फुल्का स्लश। इन पहाड़ों पे ऑटो भी चलते राहुल?
कैसे खिंच कैसे रहे यार, कुछ पॉइंट तक ही होंगे आई गेस, पता नहीं यार, पर चढ़ाई पे भी चल रहे हैं यार और जगह भी नहीं दे रहे हैं। डीजल हो सकता है लेकिन डीजल है नहीं है, पर जगह भी नहीं दे रहे यार ये स्टाइल है भाई। अरे मुर्गियां, और अब हमने इसके जाने का वेट करना पड़ेगा। नहीं हिल टेगा रिवर्स ना, लेफ्ट में तो रास्ता ही नहीं है। हाँ, उधर जाके लेफ्ट जाना है, तो हमें इनके पीछे चलना पड़ेगा इसी स्पीड में। चलता हूँ इससे आगे थोड़ी देर भाई से। जय श्री कृष्ण मंदिर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ट्रक आ रहा है और इसको साइड में दबाना पड़ेगा। ओ वाओ, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, घने जंगलों वाले पहाड़, उसके ऊपर बादल, थोड़ी थोड़ी सनलाइट आती हुई, वेरी ब्यूटीफुल यार। चले गाइस अब आगे चलते हैं इस जेसीबी से, और फिर आपको मिलते हैं। इट्स नॉट जेसीबी, इट्स कावासाकी। तो भाई जैसी रोड में चाहता था वैसी रोड आ चुकी है, क्योंकि मेरे को मतलब सीधी रोड में गाड़ी चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर थोड़े से चांसेस होते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाए। अगर आप देखोगे ये पत्थर साइड किए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आराम आराम से निकलेंगे। ठीक है, सामने से बस भी आ रही है, हम खराब ही रोड में चलाना चाहते हैं, सही रोड में तो हम दिल्ली में भी गाड़ी चलाते हैं। पहाड़ों की खराब रोड की बात ही कुछ और है। तो अब जो टेक्निकली 4 घंटे और 9 मिनट दिखा रहा है, वो इसी रोड की वजह से दिखा रहा है। देख लो भाई इधर आओ, मैं नीचे अब हिल असिस्ट ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ऊपर जाना नीचे जाना है, ऊपर से जाना ऊपर से नीचे नहीं जाना, नीचे दूसरा रास्ता कट रहा है। पक्का? हाँ पक्का। देख लो मैं तो हिल असिस्ट ऑन कर रहा था, डाउन ओके। तो यहाँ तो ऊपर से दिखा रहा है, बट अच्छा वहाँ से रास्ता खोला होगा यहाँ पे आई थी, क्योंकि रोड बन रही है, क्योंकि लैंडस्लाइड के से शायद रोड टूट गई होगी। चलो अब तो मैं करना ही पड़ेगा हिल डिसेंट, और ओन करना पड़ेगा। हिल डिसेंट ऑन हो चुका है, हमारे 360 डिग्री कैमरे में भी वीडियो बन रही है, एंड नाउ वी हैव टू गो डाउन। ये तो पूरा एकदम स्लांट है, कुछ भी नहीं है ब्रो ये, तो इसके तो हिल डिसेंट भी नहीं चाहिए, लेकिन इट फील्स सो नाइस। और अब हम एक रिवर के ऊपर से गुजरने वाले हैं। ये देखो हिल डिसेंट का फायदा, छोड़ा हुआ मैंने पैर हटाया हुआ। वाओ राहुल यार कितना सुंदर है, रोड की टेंशन नहीं है। वाओ सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रास्ता यार, मैं कितनी वीडियो बनाऊं मेरा हाथ दर्द कर जाएगा, पर मेरा मन नहीं भरेगा वीडियो बनाने से। मुझे मैं तो इधर से बना ही रहा हूँ ना, तो फिर मैं अभी इस वीडियो को बंद करती हूँ। अब आप बाकी जो है 360 में देखो, उस रोड से इस रोड पे आया था, अब हम लोग ये पुल क्रॉस करके वापस उस रोड पे जा रहे हैं, कि हमने और सीधा जाना है। एंड यू कैन सी, देख रहे हो इतने मोटे वाले पत्थर है, मतलब वो जो बिल्कुल आपकी गाड़ी का अगर चैम्बर में टच होगा तो चैम्बर फोड़ ही देंगे, तो हमारी तो गाड़ी की अच्छी। इधर व्यू चेक करो, फिर आप उधर व्यू चेक करो, फिर आप सामने व्यू चेक करो, सब जगह एकदम मस्ती मस्ती व्यू चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से रोड क्रॉस कर रखी है, क्योंकि कार्य निर्माण पर है, और अभी भी हमारा 92 किलोमीटर है, 4 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि आई गेस पूरा रास्ता ही ऐसा है। सो लेट्स गो गाइस।
थोड़ा सा भाई ये ओवरटेक करके आए थे ये सुमो वाले। हाँ, तो यहाँ से जो रूट आ रहा था उधर से जाम लग गया था और इन्होंने दबा लिया है। देखो कितनी लंबी लाइन, पूरी पीछे तक लाइन लग जाती है। पहाड़ों का जाम वैसे होता बहुत बुरा है क्योंकि अगर एक बार अच्छे से जाम लग जाए तो मतलब 4-5 घंटे से पहले खुलता नहीं है। अगर फंस जाओ तो अच्छा, क्योंकि ये जो 3:57 अब यहाँ देख रहे हो बस फंस गई है वहाँ से। फिर से मैं नहीं, वो बस से कुछ उतर रहा है इसलिए बस फंसी है, रुकी आई मीन। Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know. गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं? हमने संतरा लिया, ठीक है। 120 रुपीस फॉर 1 किलो। 120 नेपाली रुपीस, राइट? सो यू हैव द ऑप्शन, कॉफी ऑफी सब कुछ आप लोग यहाँ से ले सकते हो, कुरकुरे सब चीजें आपके यहाँ मिल जाएगा। तो ये गुड टू लीव या प्रकृति अभी पैसे कलेक्ट कर रही है अपना भैया। सो गाइस रोड का साइज कुछ इतना हो चुका है, अगर आप देखोगे तो अब दो गाड़ियों को निकलने में दिक्कतें होगी, ठीक है। बीच में ठीक हो जा रहा है लेकिन दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है। जैसा आप देख सकते हो ट्रक रुक गया ऊपर ही ना, वो ट्रक ऊपर ही रुका हुआ है, वो निकलने यहाँ से नामुमकिन है। और अब हम आ गए हैं काफी ऊपर और अभी भी हमारा 66 किलोमीटर है जिसमें अभी भी 3 घंटा दिखा रहा है। इधर आओ, तो भाई ऐसा कुछ है गाइज। So अभी 2:11 रह रहे हैं। अगर आप रोड कंडीशंस के बारे में बात करते हो तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है एंड, तो एंड वाली रोड बिल्कुल ख़राब हो रखी है। बस ये कि गाड़ी चढ़ जा रही है और हमने ये ट्रिप थार से करी तो हम इसको चला पा रहे, नहीं तो अगर हम किसी और गाड़ी से आते तो काम हो जाता गाड़ी का। और अगर आप में से भी कोई प्लान कर रहा है तो भाई अच्छी बाइकें लेके आना है, अच्छी गाड़ियाँ लेके आना जो थोड़ी सी ऊँची हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा तो सर्विसिंग ज़रूर मांगने वाली है आप लोगों से, ठीक है। तो जैसा आपने देखा आपके भाई ने बहुत प्यार से साइड में दबाई गाड़ी और निकाल ली, तो पहाड़ों में यही तरीका है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो, गाड़ी चलाओ प्यार से। और अब रोड देख रहे हो आप और छोटी होती गई है, और अगर आप गड्ढे देखोगे ना भाई, आपको एक बार ना शीशा खोल रहा हूँ मैं अभी ना, कोई गड्ढा आएगा ना बड़ा गड्ढा, तो एक बार गड्ढा चेक करो ना लोगों को, मतलब इतना बड़ा गड्ढा अगर आप उसमें 70-80 की स्पीड में घुस गए ना तो आपकी गाड़ी का टायर भी, मतलब अलॉय भी टूट सकता है, टायर भी फट सकता है, मिलना चाहिए। वैसे दिखा दे गड्ढे साइड में, इधर से तो आपको नहीं दिखा पाएगी ना, साइड में दिखा दे गड्ढा कितना बड़ा है, ऐसे गड्ढे इतने बड़े। ओह माय गॉड, वो देखो गड्ढा चेक करो, गाड़ी जा रही है क्या करें लोग, ये देखो नीचे से दिखाओ ना बेटा, ऊपर से दिखाने से क्या हुआ, बोलो ये गड्ढा दिखाओ इतना बड़ा गड्ढा है। आप कितना सोच पाए हो, इतना मैं समझा सकता था, मैंने तो समझा दिया। और हमें यहाँ से अब हिमालय रेंज भी दिखनी शुरू हो गई है। हाँ हिमालय रेंज दिख रही है। और हम लोग जो कहाँ जा रहे थे, मैं भूल गया फिर से, नगरकोट इसलिए जा रहे हैं
क्योंकि वहां पर सनसेट पॉइंट है वो, तो अगर आप देखोगे यहाँ से आपको सिटी का एक व्यू दिख रहा होगा। ये सिटी कौन सी है? काठमांडू। ये मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं भी आपके साथ पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन रोड पतली होती जा रही है, रास्ता खराब होता जा रहा है। चलिए गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ अगर हमें हिमालयन की क्लियर रेंज दिखी तो आपको भी दिखाएंगे। वो तो हमने एनीवेज दिखानी है किसी भी हालत में। नहीं, अभी अगर रास्ते में चलते हुए दिखती है तो। गाइस दिस इज अ चेक पॉइंट, ये है काठमांडू में एंटर करने से पहले वाला चेक पॉइंट है शायद, और नागरकोट काठमांडू से भी आई थिंक 20-30 किलोमीटर दूर है, और भैया मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बंसार के पेपर्स है वो चेक हो रहे हैं, और ये रोड जो है ये सीधी जाएगी काठमांडू की तरफ। सो लेट्स वेट राहुल, क्योंकि अभी वो करा रहा है बंसार के पेपर टेस्ट, ओ सॉरी चेक, और एंट्री करा रहा है कि हम कितने दिन के लिए और क्या है। तो राहुल डन, क्या कहने का एंट्री की? हाँ। कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, सबकी एंट्री हुई है? हाँ, सभी लोगों को रोक रहे हैं। ऐसा सबको ही रोक रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग मेंबर है इसलिए रोक रहे हैं, नेपाल की गाड़ियों को भी रोक रहे हैं? हाँ, नेपाल की गाड़ी में रुकी हुई। ओके, और गाइस हम लोग काठमांडू में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से 43 किलोमीटर है नागरकोट। हो गए हम लोग? हाँ, वो काठमांडू का ही चेक पोस्ट था उधर लिखा था। अच्छा, काठमांडू का चेक पोस्ट था। तो लेट्स गो गाइस, अभी भी 1 hour 49 minutes, लेकिन अब ठीक है, मतलब अच्छा सा लग रहा है अपना, क्यों सिटी में आ गए ना, बढ़िया लग रहा है। चलिए गाइस लेट्स गो, अब एक बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सी चीज दिखाने वाले हैं आपको, दिखाओ राहुल। हां, तो 1x और 3x में भी करके दिखा सकते हैं। हां, मैं वही करूंगी। सो इफ यू कैन सी सामने, 1x पे तो नहीं दिख रहा है, 3x पे आपको जो सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं। और टेंशन मत लो, ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां से बिल्कुल क्लियर हिमालयन। अरे यहां से भी क्लियर दिख रहा है, ये जो वाइट वाइट आपको पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ये सारे हैं हमारे हिमालयस, हिमालयन रेंज है हमारी। कितनी सही लग रही है ना गाइस, और बाकी जो भी क्लियर वाली दिखानी होगी वो हम आगे चल के दिखाएंगे आपको। ओके गाइस, तो हम लोग काठमांडू से निकल कर, हम लोग काठमांडू से निकल गए, मेरी तरफ दिखाओ, देवपुर जा रहे हैं ना, काठमांडू से तो हम लोग निकल ही गए, कब के निकल चुके भाई। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारी एक सेइंग है, हम लोग कहते हैं जब दोस्त दोस्त बैठे होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, या फिर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते, तो हम बोलते हैं कि भैया लस्सी बन गई है। तो भाई अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, पूरा चल के आए काठमांडू तक, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके बाद से जो ट्रैफिक लगा है, और उसके बाद अभी ये रास्ता भी खो गए थे हम लोग बीच में कहीं, तो भाई वहां से ऐसे लस्सी बनने वाली हालत हुई है ना, मैं जनरली बता रहा हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब हम जो चितवन तक पहुंचे वो भी सही रोड थी एक्चुअली, मैं यहाँ नीचे खराब थी, अब देखो यहाँ रोड बनी हुई है, पता नहीं 11 किलोमीटर है और उसके लिए 37 मिनट दिखा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली उस पहाड़ के उस साइड पे या पीछे वैसे कहीं होगा वो, तो चलते हैं गाइस, देखते हैं कैसी रोड रहती है, कैसा रास्ता रहता है। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ, मतलब लोग जो है पोखरा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो लुम्बिनी से किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हम लोग बिल्कुल अलग रूट चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जो भाई बिल्कुल आप लोगों को आनी चाहिए, मतलब हम लोगों ने कोई भी लिस्ट से हटाई नहीं है। हाँ। हम सब कुछ कवर करते हुए जा रहे हैं जो मेजर चीज़ है। बाकी एक जगह है मुस्टैंग नाम की, उसके लिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड आना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम मुस्टैंग नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर मुस्टैंग किया जाएगा, तो होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों के लोकल जो घर लोग रहते हैं उनके घर आपको देखने को मिल जाएंगे, चढ़ाई है, बिल्कुल चढ़ाई, खींचते हुए चढ़ाई, देखो मतलब थार भी मेरे को बोल रही कि भैया कहाँ ले आए। Atomic particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature.
एक बोर्ड दिखा है जिसकी वजह से भाई मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक उम्मीद की किरण दिखी है हमें, ये हमें बोर्ड दिखा है। मतलब हम लोग पता नहीं ऑफ रूट चले गए क्या चले गए भाई, लेकिन और अभी भी 1.3 किलोमीटर जो मैं आपको बात बोला था लस्सी वाली बात राहुल लस्सी से भी जो ऊपर होता है वो बन चुका है भाई। मतलब वहां पर यार थोड़ा ना देखो सेफ्टी भी अपनी देखनी होती है क्योंकि आप अपनी वाइफ के साथ ट्रेवल कर रहे हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। और गुड निकल गए भगवान की कृपा से आप लोगों के प्यार मोहब्बत से। और सामने पूरी हमारी माउंटेन रेंज है हिमालयस वाली। कोई सनराइज पॉइंट हो कोई सनसेट पॉइंट हो हम कहीं नहीं जा रहे, जो भी है सब होटल में ही होगा। होटल में ही होगा। इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊं कितनी खुशी हो रही है। सो हियर वी आर एट होटल मिस्टिक माउंटेन। इट वॉज अ टायरिंग डे फॉर ड्राइविंग, मेरे लिए बहुत टायरिंग था भाई। हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, होटल पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं। होटल वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, इधर चार्जिंग स्टेशन भी है। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि चक्कर आ रहे हैं भाई अभी तो लिटरली, क्योंकि इतनी गाड़ी चला ली घूम घूम के गोल गोल। सो होप सो कि आराम हो जाएगा थोड़ा सा। गाइस दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक्स लाइक एंड मैंने चेक इन के लिए अपनी आईडी वगैरह तो दे दिया है। अभी जस्ट वेटिंग फॉर द रूम। इधर हमारा बैगेज है, इधर बुद्धा जी हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री एंड हियर इज द माउंटेन रेंज। बाकी अभी जब नीचे जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। और अभी लेट्स गो टू आवर रूम शैल वी। ओके सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर हियर। नो आइडिया। I don't know from where, but this Google map is showing the location and you're following it. Okay. And we get into some very bad stretch. So basically you came from Kathmandu, right? No, yeah. We actually came from Chitwan. Okay. Chitwan to Kathmandu, Kathmandu. Kathmandu to this place. Okay. Yeah. My God, they have lift. कि ऊपर चढ़ने में अपने को आसानी रहेगी। Thank you. That's how the room looks like. It's very nice. So small information, sir. Sure. Your package includes breakfast. Okay. So the breakfast timing is 6:30 to 9:30. Wi-Fi connection. After you insert the SIM card, all the electronics get switched on. Sure. Your code automatically shows missing 214 in the Wi-Fi option, and the password will be 1214. And here we have a small minibar. If you use anything from 8, you'll be charged extra. If any problem in the room, you can call directly to 1000. Thank you. ओके फाइनली पूल गया गेट। ओह माय गॉड ये इन्फिनिटी पूल भी है एंड दे सर्व ब्रेकफास्ट इन द पूल एज वेल जस्ट लाइक देयर। दिस लुक्स सो अमेजिंग गाइस। वेरी ब्यूटीफुल। चेक दिस आउट। वेरी ब्यूटीफुल भाई। इतना ड्राइव करके आया मतलब थकान उतर गई लेकिन अभी कुछ खाना पड़ेगा पहले। लेट्स हैव समथिंग एंड देन वी आर गुड टू लीव। गिरियो मत भाई। ठीक There's a gym उस साइड पे। So अभी टेम्परेचर 10 था, मोस्ट प्रोबेबली और लो गया होगा। ओके सो That's how the infinity pool looks like। ये रहा। Infinity tools कह रहा हूँ। Infinity pool looks like। Infinity pool। ये gym है। Jacuzzi, gym।
राइट जिम दिखा दिया एंड उसके बाद यहां किड्स का प्ले एरिया है विद बॉल पूल एंड एवरीथिंग अच्छा इधर खेलने का हां शुड बी सी इट क्या है इतनी ठंड में तो बच्चे क्या खेलेंगे बॉल पूल है इधर रूम से देयर्स अ पाथ गोइंग उस साइड पे कहाँ जाने का वो बार वहाँ पे बार बना हुआ है तो आप यहाँ से चल के जा सकते हो उस साइड पे अच्छा उधर हाँ आई थिंक एक बार यहाँ पे भाई चेकआउट करो पहले ये ठंडी आई थिंक वी शुड गो बैक बिकॉज़ इट्स टू कोल्ड यार शुड वी गेट द मोर जैकेट्स आई डोंट थिंक वी नीड दैट नाइट सो गाइज आज का जो पूरा ड्राइव था वो भाई रोलर कोस्टर वाला राइड था मतलब मैं आज पर्सनली बोलना चाहूंगा कि भाई आज वाली ड्राइव में मेरे को थकान हो गई और भाई राहुल इससे पहले मेरे को बोला था मेरे को नॉर्मल रोड पे नहीं चलाना मेरे को ऑफ रोडिंग करनी आज लेकिन मैंने इतनी कोर ऑफ रोडिंग देख ली कि अगर आप लोगों ने सिनेमेटिक भी देखे होंगे तो उसके बीच बीच में मैं उस टाइम पे कुछ बोलने वाला था ही नहीं भाई मैं उस टाइम पे मतलब आपको मैं कैसे एग्जाम्पल दूं मतलब अगर इतने में मतलब ये रोड है तो इतने नीचे गड्ढे हो रखे थे और मतलब थार भाई महिंद्रा थार थी हमारे पास तो हम पहुंच गए नहीं तो हम नहीं पहुंचते हम लोग बीच में ऑफ रूट भी हुए थे महिंद्रा मतलब बहुत ही ऑसम गाड़ी भाई बहुत ही ऑसम भाई मतलब बच गए हम लोग मैं सीधी बात बुझो 100 बात की एक बात बच गए हम लोग आज कोई और गाड़ी होती तो हम पहुंच नहीं पाते भाई अटक जाते और आसपास हमें कुछ मिलता भी नहीं तो भाई महिंद्रा थार के लिए भाई थम्स अप और बाकी आज के इस व्लॉग को इतना ही रख रहे हैं कल यहाँ से हम लोग कहाँ निकलेंगे आपको बताएंगे अगले व्लॉग में आपको माउंट एवरेस्ट का क्लियर व्यू क्या पता दिख जाए मॉर्निंग सनराइज माउंट एवरेस्ट की वहीं से होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको देखने को मिलेगा पता नहीं अभी आकृति कह रही है अरे राहुल उठ जाएगा यार मैं समझी ना मैं कोई कमिटमेंट नहीं है मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन मैंने आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर रात को 0 degrees हो जाता है और कई बार माइनस में भी चला जाता है भाई हमें तो बॉर्डर लग रहा है तो भाई अभी अगर आप मेरे कपड़े चेक करना चाहो One, ये मेरा एक इनर है मेरे बाल मत देखना एक इनर है ये एक और वॉर्म है और तीसरे से ये सुपर ड्राई की मतलब फोम वाली मतलब फोम नहीं क्या बोलते इसको बिल्कुल गर्म करने वाली जो है मैंने जैकेट पहनी हुई है तो भाई को ज्यादा ठंड लगती है हाँ ठंड ज्यादा है तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम मुसाफिर 11 फेसबुक मुसाफिर स्क्वाड सो विद दिस सेड गाइस करते हैं आज के वीडियो को एंड सो टिल देन कीप वाचिंग एंड बाय बाय ये मेरे सर के ऊपर ये मेरे पे करो Bye-bye.